दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिवाली पर गलती से भी ना ले किसी से यह एक चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार सभी के लिए खास होता है। ऐसे में दिवाली के दिन एक दूजे को उपहार भी दिए जाते हैं। हम किसी को भी कुछ भी उपहार के तौर पर दे सकते हैं, जैसे पेन, घड़ी, बेड, बादाम का डिब्बा, चॉकलेट्स आदि। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि दिवाली के दिन क्या उपहार में नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो उपहार कौन से हैं जो हमें नहीं देने चाहिए। नंबर 1, पेन। हम सभी व्यक्ति दूसरों के पेन से काम करते हैं और फिर कभी कभी उसको वापस किए बिना ही अपने पास रख लेते हैं। ऐसा दिवाली के दिन भी हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए हमें किसी से पेन नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, घड़ी। दूसरों की घड़ी को पहनने से उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी साथ आ जाती है और यह गलत होता है। खासकर दिवाली के दिन ना किसी को घड़ी दें और ना ही किसी की घड़ी लें। नंबर 3, बेड। दूसरों के बेड पर सोने से दंपत्ति के बीच झगड़ा बना रहता है। इस वजह से दिवाली के दिन किसी के बेड पर ना सोएं और ना ही किसी को बेड गिफ्ट दें। नंबर 4, रुमाल। दूसरों का रुमाल प्रयोग में लाने से तनाव बना रहता है, क्योंकि जिसका रुमाल आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी साथ में आ जाती है। ऐसे में दिवाली पर किसी को रुमाल भी नहीं देना चाहिए। नंबर 5, कपड़े। दूसरों के कपड़े पहनना आपके तनाव का कारण बन सकता है, और अगर आपकी आदत दूसरों के कपड़े पहनने की है तो इसे बदल लीजिए, वरना नुकसान होता जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि दिवाली पर गलती से भी किसी को भी ये गिफ्ट ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें, और हमारे चैनल लाइफ हैक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।